हेलो दोस्तों दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं जो अभी अभी चुनाव हुए हैं उसके अंदर जो बीजेपी को मेजॉरिटी मिली है, बीजेपी की जो 300 से ज़्यादा सीटें मिली है उसके पीछे राज क्या है, और मोदी को अगर डिफीट करना है तो हमें क्या करना होगा। दोस्तों बीजेपी को जो 300 से ज़्यादा सीटें मिली है उसके पीछे उनकी काफ़ी मेहनत है। आरएसएस ने 70 साल से मेहनत किया है उसके पीछे। आरएसएस हर घर घर में जाके, हर गांव गांव में जाके उसके ऊपर काम कर रही है। अगर मैं गलत ना हूँ तो आरएसएस ने हर तीसरे घर में अपना एक कार्यकर्ता, अपना एक वोटर बनाया हुआ है। इसीलिए आज देश के 30% लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं। आज का अगर वोटिंग देखा जाए तो 60% कुछ वोटिंग हुआ है, उसमें से 50% यानी 60% में का 50% यानी 30% वोटर्स जो है वो बीजेपी के हार्डकोर वोटर्स हैं जो जो सिर्फ बीजेपी को वोट कर रहे हैं। बीजेपी ने क्या है ना, आरएसएस ने माइंड वॉश किया हुआ है बच्चों का। जो 18 से ले के 30 के एज के जो बच्चे हैं उनका पूरी तरह से माइंड वॉश किया हुआ है और उन्हें एकदम हिंदुत्ववादी बना दिया है। उसके वजह से आप कहीं पे भी जाके देखिए, कहीं पे भी अगर ग्रुप डिस्कशन चल रहा है तो वहाँ पे बच्चे लोग का बस वही बात चल रहा है, मोदी ऐसा कर रहा है, मोदी वैसा कर रहा है और मोदी ला वोट दैट्स। तो ये सब चीज़ें आजकल हो रही हैं। अगर किसी को, अगर आपको, अगर सभी समझ रहे हैं आप मोदी को हराना मुश्किल है, नामुमकिन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखते हैं, अगर वोटिंग 60% हुआ है तो 40% लोगों ने वोटिंग किया नहीं है। वो 60 में का आधा यानी 30% वोटिंग बीजेपी को हुआ है और यह 30% बीजेपी के अपोज में हुआ है, और 40% लोगों ने अभी तक वोटिंग नहीं किया यानी 40+30 यानी 70% वो जो बीजेपी के अगेंस्ट में है। अगर हम लोग अगर अच्छे से मेहनत करते हैं और वो जो 40% वोटर है अगर उन्हें हम लोग कन्विंस करते हैं और उनमें से अगर 20% लोग भी अगर वोटिंग करने आता है तो ये रिजल्ट चेंज हो सकते हैं। जहाँ जहाँ पे अगर ज़्यादा अच्छा वोटिंग हुआ है, जैसे केरला में वगैरह अच्छा वोटिंग हुआ है, तमिलनाडु में अच्छा वोटिंग हुआ है, तो वहाँ पे बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिली है। तो जहाँ पे भी अगर 80% के ऊपर अगर वोटिंग हो तो बीजेपी वहाँ पे जीत नहीं सकती है। तो वोटिंग परसेंटेज अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हम लोग बीजेपी को हरा सकते हैं। क्यों, तो हिंदुत्ववादी जो मुद्दा है जो बच्चे लोग को उन्होंने अपने जाल में फंसा लिया है, वो बच्चे अभी बीजेपी के अलावा किसी और को वोट करेंगे ऐसा लग नहीं रहा है। क्योंकि तो उनका माइंड इतनी तरह से इसी तरह से वॉश किया हुआ है कि उनके ऊपर बस वो छाया हुआ है। दूसरा रास्ता ऐसा है कि अगर उस मुद्दे को हम लोग हैजैक कर लेते हैं, जैसे अगर कोई कैंडिडेट हम लोग खड़ा करते हैं, वो कैंडिडेट ही अगर हिंदुत्ववादी मुद्दे के ऊपर काम कर चुका है, या फिर कोई कैंडिडेट जो पहले बीजेपी में था उसे अगर टिकट नहीं मिलता है और वो अगर अभी कॉम्प्रोमाइज़ करता है और बोलता है कि हम लोग अभी खड़ा रहता है तो वो बीजेपी के वोट काट सकता है। ऐसे अगर हम लोग कैंडिडेट खड़ा करते हैं, जैसे शिरूर लोकसभा मतदार संघ के अंदर अमोल कोल्हे, डॉक्टर अमोल कोल्हे एक कैंडिडेट खड़ा रहा था। डॉक्टर अमोल कोल्हे को महाराष्ट्र के अंदर एक संभाजी करके जो सीरियल चल रही है वो सीरियल के जरिए उन्हें जाना जाता है, और वो लगते लुक भी उनका वैसा ही है। तो उन्होंने जो मुद्दे को हाईजैक किया तो 5 लाख से ज़्यादा वोट से वो जीते हैं। तो लोगों को लगता है कि इनके अंदर संभाजी के कुछ गुण हैं, संभाजी के जैसे उनके अंदर हरकत ये है, तो संभाजी के वजह से उनको जो भी हिंदुत्ववादी लोग हैं उन्होंने भी उनको वोट दिया तो उसके वजह से वो जीते। तो वो मुद्दे को अगर हम लोग हाईजैक कर लेते तो मोदी को यूं यूं हरा जा सकता है दोस्तों। दूसरा सबसे अहम मुद्दा है कि हमारे यहाँ पे जो वोटिंग अभी हो रहा है ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो रहा है। जैसे कि अभी अमेरिका में होता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शंस होते हैं। और हमारे यहाँ पे जो होता है ये हम लोग पहले एमपीस चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, एमएलए हमारे यहाँ पे सीएम को चुनता है, एमपीस चुनते हैं, एमपीस हमारे यहाँ पे अपने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को चुनता है। फिर यह सिस्टम हमारे यहाँ पे होता है, हमारे यहाँ पे लोकशाही है। मगर अभी यहाँ पे जो इलेक्शन जो हो रहा है ये हमारे यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन हो रहा है। जैसे हम लोग मोदी को दिखाया जा रहा है ये हमारा चेहरा है, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, और लोग डायरेक्टली उसी को वोट डाल रहे हैं। लोग देख ही नहीं रहे कि हमारे एमपी कौन बन रहा है। तो अगर उसी का अगर हम लोग अभी फ़ायदा उठाए
और हमारा भी एक कैंडिडेट हम लोग अभी दिखा दे कि ये हमारा कैंडिडेट है जो हमारा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो हम मोदी को टक्कर दे सकते हैं। अगर हमारा वो कैंडिडेट मोदी के टक्कर देने के लायक हो तो हम लोग उसको थोड़ा सा हम लोग टक्कर दे के कुछ वोटें निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों ऐसे कुछ पॉइंट्स मुझे लगते हैं कि अगर हम लोग इस पॉइंट्स के ऊपर अगर काम करते हैं तो हम लोग इलेक्शन में मोदी को हरा सकते हैं। कुछ लोग समझते हैं मोदी हार नहीं सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिकंदर भी हारा था, अलेक्जेंडर हारा था, तो मोदी भी हार सकता है। शुक्रिया दोस्तों। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया।